हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक वैसे तो आप टाइटल में देख चुके हो, तो ये वीडियो है रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए। ऐसा कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं एक टिप देने वाला हूँ जिससे आप चाहें तो आयरलैंड में ये बाइक अफोर्ड कर सकते हैं। ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 मैंने आयरलैंड में ली है। ये मुझे यहाँ पे 7500 यूरोस यानी के 6,40,000 रुपए की है। इतने में तो मैं इंडिया में तीन और बाइक ले लेता, बट इफ़ यू लाइक समथिंग देन मनी डजंट मैटर। जब भी मैं इसे लेके राइड पे जाता हूँ तो इससे काफ़ी अटेंशन देखने को मिलती है। यहाँ पे ज़्यादा लोग मोटर बाइक नहीं चलाते हैं क्योंकि यहाँ सर्दी होती है और आए दिन बारिश भी होती है। इसीलिए मैंने ये बाइक सिर्फ समर्स में चलाने के लिए ली है और ऑफिस और दूसरे काम करने के लिए मुझे कार ही यूज़ करनी पड़ती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे कार और बाइक के अलग अलग लाइसेंस होते हैं और जिन्हें पास करने के लिए कुछ बंदों को बहुत डिफ़िकल्टी भी होती है। इसमें जो लाइसेंस प्लेट मुझे मिली है वो विंटेज है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड यहाँ पे विंटेज बाइक मानी जाती है और आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। और इसका मोटर टैक्स है वो 1 साल का 100 यूरोस है। ये बाइक ईयू स्पेसिफिकेशन पे बनी है और इंडियन वेरिएंट से थोड़ी हैवी और कुछ एडिशनल फीचर्स लाइक डे टाइम रनिंग लाइट्स और इंजन ऑटो किल ऑन पार्किंग भी है। उन भाइयों के लिए जिन्होंने यहाँ पे आयरलैंड में रॉयल एनफील्ड लेनी है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि ये बाइक कहाँ से मिलेगी, इसकी VRT और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो वीडियो के एंड का प्रो टिप उन लोगों के लिए जो आयरलैंड में रहते हैं और ये बाइक लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, ये बाइक मैंने और मेरे दोस्त ने शेयरिंग में ली है, क्योंकि हम दोनों डेली कार ड्राइव करते हैं और शौक से कभी कभी बाइक चलाते हैं और इस तरह से ये बाइक हमको सिर्फ 70 यूरोस मंथ की पड़ती है, विच आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। You can contact me and I can give you more details and information about the expense of keeping a Royal Enfield Classic in Ireland. I hope aapko ye video achhi lagi ho. So next time tak ke liye, take care and be safe.